200, 500, 2000 के नए नोटों की हो सकती है अब वापसी, जाने नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने बैंक अधिनियम की नियमावली 2009 में कुछ संशोधन किया है। इस संशोधन से अब नोटों वापसी की का रास्ता खुल गया है। दरअसल नोट बंदी के पश्चात देश में नई करेंसी के तौर पर 200, 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। हालांकि इन नोटों को कोई बैंक विकृत डैमेज कंडीशन रूप में लेने को राजी नहीं होता था, जिस वजह से लोग खासे परेशान थे। दरअसल बैंक की ओर से दलील दी जाती थी कि आरबीआई की ओर से ही उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी गई है, यानी कि वो कोई नियम नहीं तोड़ रहे बल्कि नियमों का पालन ही कर रहे हैं। लेकिन अब इस संशोधन से सारी दुविधाएं और परेशानी खत्म हो गई है। दरअसल इससे अब 200, 500 और 2000 के नए नोटों की वापसी का रास्ता निकल गया है। बता दें कि इन नए नोटों को आरबीआई के सेक्शन 28 के तहत बदला जा सकता है। वित्त मंत्रालय की क्लीयरेंस के बाद आरबीआई ने जारी की थी गाइडलाइन। दरअसल आरबीआई इस बात को समझ रहा था, इसलिए उसने इस मामले में वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर नियमों को अपडेट करने की बात कही थी। अब अच्छी बात यह है कि आरबीआई को इस मामले में वित्त मंत्रालय का क्लीयरेंस मिल गया है। बता दें कि अब आरबीआई की ओर से नई गाइडलाइन आ चुकी है, यानी कि अब नए नोटों को बिना किसी परेशानी के बदला जा सकता है। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक नोट के डैमेज एरिया के हिसाब से एक्सचेंज रेट तय होगा। 50 रुपए के नोट के संबंध में नियम, 50 के नए नोट का पूरा रिफंड उस हालात में मिलेगा जब नोट का कम से कम 72 स्क्वायर सेंटीमीटर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि आधा रिफंड 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया उपलब्ध कराने पर मिलेगा। 100 रुपए के नोट के संबंध में नियम, 100 रुपए के नए नोट का पूरा रिफंड तब मिलेगा जब एक नोट का 92 स्क्वायर MTR यानी कि 92 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया दिया जाएगा। वहीं कम से कम 46 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया देने पर आधा रिफंड मिलेगा। 200 रुपए के नोट के संबंध में नियम, अगर 200 रुपए नोट के वास्तविक आकार 96.36 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का 88% यानी 78 स्क्वायर सेंटीमीटर हिस्सा देना होता है तो नोट का पूरा रिफंड मिलेगा, जबकि आधा रिफंड तब पाने के लिए नोट न्यूनतम 39 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया देना होता है। 500 रुपए के नोट के संबंध में नियम, 500 रुपए के नए नोट के वास्तविक आकार 99 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 99 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का कम से कम 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 80 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया देने पर पूरा रिफंड मिलेगा, जबकि 44 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ठीक होने पर आधा रिफंड मिलेगा। 2000 के नोट के संबंध में नियम, 2000 के नए नोट के कुल 1.9 स्क्वायर MTR यानी कि 1.9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में से 88 स्क्वायर सेंटीमीटर देने पर पूरा रिफंड मिलेगा, जबकि 44 स्क्वायर सेंटीमीटर देने पर आधा रिफंड मिलेगा।